देखिए जल्दी से क्या दिखने हमें आज, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें पहला टाइप है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, जैसे हमारा इक्वेशन आएगा dy by dx equals to something function of x comma y, ठीक है। तो ये जो फंक्शन रहेगा भाई, आप लोगों को इधर देखना है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन ऑफ x comma y रहेगा, ये क्या हो सकता है, यहाँ पे फर्स्ट टाइप में सेपरेट हो सकता है। अब सेपरेट हो सकता है का मीनिंग क्या है, बहुत ही सिंपल है। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से अरेंज कीजिए कि फंक्शन ऑफ x के साथ क्या आना चाहिए, dx आना चाहिए, और इक्वल्स टू के एक साइड क्या आना चाहिए, फंक्शन ऑफ y के साथ क्या आना चाहिए, dy। बस इसको ही बोलते हैं क्या, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब मुझे बताइए फंक्शन ऑफ x के साथ dx आना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे ये dx और dy को क्या करना है, वैनिश करना है, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को वैनिश करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन करना। तो बेटा dx के सामने अगर फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है तो ही क्या हो सकता है, वो इंटीग्रेशन हो सकता है, और फंक्शन ऑफ ये dy के सामने अगर फंक्शन ऑफ y है तो ही वो क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू y। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या, जैसे आपने M1 में देखा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि यहाँ पे x और y दोनों को ही वेरिएबल ट्रीट करना है। जैसे हमारे M1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते थे, तो रिमेनिंग वेरिएबल्स को हम क्या मानते थे, कांस्टेंट मानते थे, याद है M1 की, भूल गए हो, हाँ। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों भी क्या है, वेरिएबल है। तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे कि मैंने बोला भाई वाई स्क्वायर का आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, पर किसी ने बोला भाई एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेशन कीजिए तो पॉसिबल है। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो भी इक्वेशन है ये फंक्शन ऐसा दिया हुआ रहेगा जो फंक्शन जिसमें से फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म में लिखने के बाद प्रोसीजर है क्या कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग, क्या भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और फिर वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वैनिश हो जाएंगे, और अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वैनिश हो गए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये टाइप कल भी यूज़ किया था, आपको याद होगा, तो मैंने बोला था कि भाई वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बोला था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो मुझे एक बात बताओ यार, कल क्या मैंने ऐसा नहीं किया था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मैंने बोला था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये डी वाई है और ये क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स यानी क्या, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये डी एक्स उधर जाना चाहिए, तो मैंने कल ऐसा लिखा था डी वाई इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, भाई ये डी एक्स उधर चले गया। अब मैंने बोला भाई दोनों साइड से इंटीग्रेशन कर दो, बहुत सिंपल है भाई, मुझे बताइए वन का इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी क्या है, वन है, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, वाई, वेरी गुड। नेक्स्ट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। देखिए कल की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यही तो था, ठीक है, तो बस वही करना है। चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स, आपको लिखना नहीं है, मेरा पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको लिखना है। सॉल्व डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय टू ईरेस टू पावर वाई, टू ईरेस टू पावर वाई साइन एच वाई। भाई अब ये हाइपरबोलिक तो हमारा हुआ है M1 में, याद है कि नहीं है, हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कॉस, अगर नहीं भी याद है किसी को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए बताइए मुझे, पहले तो बताइए जो गिवन इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अरे हाँ ना, जिसकी क्या है, ऑर्डर भी वन है, डिग्री भी वन है, तो हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हम यही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारी ये पहला सब टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो इसके चार टाइप्स हैं हमारे सिलेबस में, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, लीनियर, नॉन लीनियर। तो जो हमारा सेकेंड आधा यूनिट है, यानी ये स्टार्टिंग का हाफ यूनिट, चार टॉपिक्स, जो सेकेंड हाफ है यूनिट का, उसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, ठीक है। यानी कि उसमें भी dy by dx रहेगा, पर उसकी पावर क्या रहेगी, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन n। तो पेपर में आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सॉल्व और कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पेपर में तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें स्टार्टिंग के चार टाइप लगेंगे कि पीछे के चार टाइप। तो स्टार्टिंग के चार टाइप कब लगेंगे, जब डिग्री वन होंगी, यानी कि dy by dx की पावर वन होंगी, और पीछे के चार टाइप जो हम बाद में सीखेंगे, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x, y और क्लॉरेंट्स फॉर्म, क्लॉरेंट्स टाइप।
तो अगर dy बाई डी एक्स की पावर क्या रही, 1 से ज्यादा रही हायर, तो हमें क्या समझना है कि पीछे के चार में से कोई एक टाइप लगेगा। ठीक है, पेपर में गिवन नहीं रहेगा कि स्टार्टिंग के हाफ का है कि पीछे के हाफ का क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए जल्दी से। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो पहले हमें ये करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई होता है कि नहीं, ये चेक करना है। देखिए ये भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि ये जो हम 8 टाइप सीखेंगे तो इसमें से ये कौन से टाइप का है, इसको एक सीक्वेंस में चेक करना पड़ता है। पहले इसको चेक करना पड़ता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल का है कि नहीं है, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का। बताइए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का ये क्वेश्चन है कि नहीं है के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई को सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताइए ये एक्स साइन एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है प्योरली, ठीक है, और ये 2e^y sinh y ये क्या है, फंक्शन ऑफ y, और यहाँ पे ये dy/dx। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इजीली क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, देखिए इधर मुझे बताइए ये dy है तो dy के सामने क्या लिखा होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y, हाँ तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन रीराइट कर लीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा 2e^y साइन एच वाई और ये डी वाई, और ये जो डी एक्स है वो इधर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल्स टू में फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब मुझे बताइए डी वाई के सामने फंक्शन ऑफ वाई है, डी एक्स के सामने फंक्शन ऑफ एक्स है, यस, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, लिखना पड़ेगा एक सेंटेंस, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड कॉमा इधर आएगा, Hence, बताओ क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अरे भाई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को मैनेज करने का तरीका क्या, इंटीग्रेशन। तो देखिए इधर जल्दी से, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा e^y। अब रही बात साइन एच वाई, तो हाइपरबोलिक साइन की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है हाइपरबोलिक साइन की एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल का इनवर्स डिवाइडेड बाय 2। मैं लिखता हूँ सो देट आपको समझेगा। एंगल ये क्या है, एंगल क्या है यहाँ पे y, तो बेटा ये हो जाएगा e^y - e^y डिवाइडेड बाय 2। ये हाइपरबोलिक साइन की क्या है, डेफिनेशन है। किसी को नहीं समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बताइए cos hx की डेफिनेशन क्या है, e^x + e^x डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल के इनवर्स की एडिशन डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली हाइपरबोलिक साइन की डेफिनेशन क्या है भाई, उसकी डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल का इनवर्स डिवाइडेड बाय 2। ये है हमारे हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कॉस की डेफिनेशन जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखी थी। ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x sin x विथ रिस्पेक्ट टू dx। बताइए मुझे समझा गया, ठीक है, बताओ मुझे जल्दी यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन तो ठीक है, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल, ये e^y अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। पर बताओ x इंटू साइन एक्स यानी कि ये क्या ऐसा नहीं हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि x इंटू, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। पर मैंने आपको m1 में एक फॉर्मूला सिखाया था uv1 वाला, याद है क्या किसी को, जैसे इंटीग्रेशन का एक रूल है, जैसे कि यहाँ पे दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो अकॉर्डिंग टू LIATE हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। कैसे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़े इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ऐसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पे वो क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। पर व्हाट इफ कि अगर कल चल के मैंने बोला भाई आपको इंटीग्रेशन करना है x² into sin x dx का, तो आपको पता है क्या होगा, इस पर अगर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया ना, तो इसके ये जब सॉल्व होगा तो इसके अंदर आपको दिखेगा x cos x, फिर इस पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, अच्छा कल चल के कभी ऐसा हो गया कि भाई x³ into sin x dx भाई इन दोनों x³ और sin x के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो बेटा अगर यहाँ पे अगर आप ये लगाते हो ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये इतना हैवी है कि पहली बार जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके अंदर आपको इसके अंदर बनेगा x² into cos x, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब, ठीक, यानी इसके अंदर ये इंटीग्रेशन बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसे सॉल्व होगा फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, भाई मैं बोलता हूँ इसके अंदर फिर से क्या बनेगा x sin x, यानी यहाँ पे फिर से क्या लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या होता है जैसे जैसे x की पावर बढ़ते जाएंगी हमें रिपीटेडली क्या लगाना पड़ेगा
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स को वन स्टेप में सॉल्व करना है या फिर इंटीग्रेशन का एक रूल है, यानी कि दो फंक्शन के, मैं लिख के देता हूँ सो देट आपको ईजिली समझेंगा। मैंने सिखाया था शायद फोरियर सीरीज में, ठीक है देखिए इधर देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, और ये जो यू फंक्शन है ये क्या होना चाहिए भाई, पॉलिनोमियल। ये क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है और उसमें से एक क्या है, पॉलिनोमियल है, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर उसमें से एक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जगह पे एक और फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, देखिए इधर फॉर्मूला है, यू वी वन से कार्यक्रम शुरू होता है, बस आपको ये यू वी वन यानी कि पहली टर्म ही याद करनी है। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट साइन लगाते जाइए, पहली टर्म के डेरिवेटिव इंक्रीज करते जाइए, सेकेंड टर्म के इंटीग्रेशन इंक्रीज करते जाइए। इसका मतलब क्या, जैसे कि यू वी वन की साइन क्या है, पॉजिटिव, तो अल्टरनेट साइन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ये यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, यू डैश। वी वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी टू से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं नोटेशनल फॉर्म। ठीक है, अल्टरनेट साइन, यू डैश का डेरिवेटिव यू डबल डैश, वी टू का इंटीग्रेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वी थ्री से। ठीक है, नेक्स्ट माइनस यू ट्रिपल डैश वी फोर प्लस एंड सो ऑन, ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट सीरीज का एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर ये इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला है तो ये स्टॉप कहाँ पे होगा, तो बहुत सिंपल है, इसमें से ये जो कंडीशन है कि ये दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है उसमें से यू हमेशा क्या होना चाहिए भाई, यू हमेशा हमारा पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो बेटा पॉलिनोमियल का कोई एक डेरिवेटिव तो क्या होता है, जीरो आता ही है, और एक बार डेरिवेटिव जीरो आ गया तो जीरो के सक्सेसिव डेरिवेटिव्स भी क्या आएंगे, जीरो आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल, मैंने बोला एक्स क्यूब, ठीक है, तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या, थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, फिर सिक्स एक्स, फिर सिक्स, फिर जीरो, अब जीरो का डेरिवेटिव जीरो, जीरो का डेरिवेटिव जीरो, तो यानी क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू के टाइम बाद आगे के सभी आंसर्स क्या आना शुरू हो जाते हैं, जीरो। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में जीरो आता है तो वो तो दिखता ही नहीं है, यानी कि क्या होता है, जब हमारे पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, तभी फॉर्मूला अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा। अब वो ऐसे नहीं समझता है, मैं वहाँ पे अप्लाई करके देता हूँ। बताइए मुझे जल्दी से कि एक्स और साइन एक्स में से पॉलिनोमियल कौन है, एक्स, अरे हाँ ना, तो इसको मान लेता हूँ मैं यू, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं वी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे ये यू डैश क्या है, यू का डेरिवेटिव, यू डबल डैश यू डैश का एक और डेरिवेटिव, ठीक है। सिमिलरली वी वन क्या है, वी का इंटीग्रेशन, ठीक है, वी टू क्या है, वी वन का इंटीग्रेशन, ठीक है, वो आप समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। चलिए बताइए जल्दी से, पहला क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू पावर वाई से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू पावर टू वाई माइनस ई रेस टू पावर वाई इंटू ई रेस टू पावर माइनस वाई, क्या हो जाएगा, वन। अरे हाओ कि नहीं, यस चलिए ये इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। बताइए जल्दी से ये कैसे सॉल्व होगा। हाँ, और एक बात कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये अप्लाई करते समय मालूम है क्या करना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि ये यू हो गया, वी वन हो गया, यू डैश हो गया, वी टू हो गया, ये सभी चीज़ें ब्रैकेट में लिखनी पड़ती है। क्यों ब्रैकेट में लिखनी पड़ती है, क्योंकि अगली बार पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव इंक्रीज होगा या फिर अगली बार पूरे ब्रैकेट का ही इंटीग्रेशन इंक्रीज होगा, यानी उसके अंदर कोई कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, पूरा पूरा ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए इधर जैसे कि शुरू कहाँ से होता है कार्यक्रम, यू वी वन से, यू क्या है यहाँ पे, एक्स, तो देखिए मैंने ये एक्स को भी लिखा तो काहे में लिखा, ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। वी वन यानी क्या होता है, वी का इंटीग्रेशन, बताइए मुझे साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, ओ भाई इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस, तो उसको भी काहे में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, माइनस कॉस एक्स, बताइए ये पहली टर्म समझी क्या, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब अल्टरनेट साइन लगानी है, अल्टरनेट साइन यानी माइनस, अब ये ब्रैकेट में जो एक्स लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव इंक्रीज करो, बस बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, वन। अब देखिए ब्रैकेट लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, कि ब्रैकेट लगाया तो मुझे अब क्या पता है कि भाई मुझे माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ कॉस एक्स का नहीं, इसीलिए हर एक चीज को कायम लिखना पड़ता है ब्रैकेट में। बस ये इतना छोटा सा प्रिकॉशन लिया ना, तो ये इतना ईजी है कि बड़े बड़े इंटीग्रेशन इससे एक स्टेप में सॉल्व होते हैं, कितनी स्टेप्स में, एक स्टेप में, मैं करके भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो माइनस साइन हमारी कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन एक्स, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स। अब मुझे बताइए इससे आगे की टर्म्स आएंगी,
बिल्कुल नहीं, कैसे पता? देखिए अब वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, अगली बार फिर से जीरो का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, यानी ये आगे की टर्म्स के आंसर्स क्या आने वाले हैं, जीरो, यानी कि यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला जो इनफाइनाइट फॉर्मूला था इनफाइनाइट टर्म्स वाला, पर वो तो बेटा दो टर्म्स पे ही क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस क्या आएगा, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दोनों इंटीग्रेशन का कंबाइनली मैंने एक ही कांस्टेंट लगा दिया सी। देखिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, एक आना चाहिए, ठीक है, ये समझते हो आप। ई रेस्ट टू पावर 2 आएगा विद रिस्पेक्ट टू 2y, ई रेस्ट टू पावर 2y डिवाइडेड बाय 2, माइनस 1 का माइनस y, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये माइनस x cos x और ये प्लस sin x प्लस c। आंसर आ चुका है, पर आंसर को अगर इक्वल्स टू c के फॉर्म में लिखो तो बहुत अच्छा। तो ये दोनों टर्म्स क्या करता हूँ मैं, इधर लेके आता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, e raised to power 2y divided by 2 minus y plus x cos x minus sin x is equals to c। इसके नीचे लिख लेना, this is general solution of given differential equation। बताइए, देखिए सॉल्व कैसे हुआ, ठीक है, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको समझाई, पर ये बेसिक समझा गया क्या था, कि फंक्शन ऑफ x के साथ क्या लिखना था, dx, फंक्शन ऑफ y के साथ dy, यानी इक्वल्स टू के एक साइड होना चाहिए फंक्शन ऑफ x के साथ dx, इक्वल टू के दूसरे साइड होना चाहिए फंक्शन ऑफ y के साथ dy, और फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन, बस प्रोसीजर क्या है टाइप की, इतनी है, ठीक है। तो हम एक एक ही प्रॉब्लम लेने वाले हैं, क्योंकि ये सभी हमारे टाइप सिलेबस में नहीं है। हाँ, रही बात की ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका इंपॉर्टेंस देखिए, प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। अब अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई मुझे एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का ये करके बताइए इंटीग्रेशन, तो बेटा ये भी एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, कैसे देखिए मैं करके बताता हूँ। ये क्या हो जाएगा, यू वी वन, साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस, बस ये पहली टर्म याद रखनी पड़ती है, तो ये फॉर्मूले का नाम ही मैंने यू वी वन रखा है, मैं बोलता ही ऐसा हूँ यू वी वन वाला फॉर्मूला, आगे भी मैं यही टर्म यूज़ करूँगा पूरे सब्जेक्ट में। तो ये पहली टर्म हमने लिख ली यू वी वन, बस अब कुछ नहीं करना, अल्टरनेट साइन लगाना, इसका डेरिवेटिव बढ़ाओ कितना, 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बढ़ाओ, तो माइनस एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन क्या भाई, साइन, अल्टरनेट साइन यानी पॉजिटिव। अब देखिए ब्रैकेट लगाने से ये एडवांटेज है कि मुझे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, ये समझेंगे आपको, ठीक है, गलती नहीं होगी, और यहाँ पे भी माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन बढ़ाना है, कोई बात नहीं, बताइए क्या हो जाएगा, 6x ब्रैकेट में ये माइनस साइन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट साइन क्या हो जाएगा, ये 6, कॉस का इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स, ये ब्रैकेट में, अगली बार आएगा क्या, नहीं, बस हो गया, देखिए एक स्टेप में आंसर आ गया। और इस पर आप मुझे ये लगा के बताइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो मैंने बताया कि इसमें एक्स स्क्वायर कॉस बनेगा पहले, फिर से एक्स साइन बनेगा, पर अगर एल आई टी यानी ये लगाते हो यू वी वन, तो एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिखना है, ये पूरा प्रॉब्लम क्या करना है आपको, कॉपी करना है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, देखिए जल्दी से। तो अब हमें देखना है सेकेंड टाइप, जिसका नाम है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, नाम में ही मीनिंग है कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कि क्या करना है हमें, उस क्वेश्चन को रिड्यूस करना है पहले काय में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, और फिर फर्स्ट टाइप से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है, मैं एक एक करके बताता हूँ कि यहाँ पे अगर हमें रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है तो दो टाइप की पुटिंग होती है, ठीक है, एक होती है लीनियर सब्सटीट्यूशन, एक होता है कोशंट सब्सटीट्यूशन। तो मैं पहले फर्स्ट बताता हूँ और उस पर पहले प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर सेकेंड देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीज़ें देखनी है, एक है लीनियर सब्सटीट्यूशन, ठीक है, बहुत सिंपल है कि अगर एक्स ये आता है डिफरेंशियल इक्वेशन आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। भाई देखिए ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये एक लीनियर को लिखने का क्या है तरीका है, जैसे कि मुझे बताइए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसमें एक्स और वाई की पावर क्या है, 1, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, लीनियर बोला जाता है इन जनरल। ये तो दो वेरिएबल हो गए, अगर मैं एक वेरिएबल की बात करूं तो देखिए इधर ये ए एक्स प्लस बी, इसको बोला जाता है लीनियर फॉर्मेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक। देखिए ये है, ये भी पॉलिनोमियल डिग्री 1 का, ये भी पॉलिनोमियल है डिग्री
टू का, अच्छा ऐसा लिखा मैंने ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो बताइए ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। पर भाई है तो पॉलिनोमियल ना तीनों भी, तो लीनियर किसको बोलते हैं, जहां पे डिग्री वन होती है। तो बेटा ये तो एक वेरिएबल में हुआ ax प्लस बी, अरे ये ax प्लस बी भी एक लीनियर फॉर्मेट है जिसके लिए इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले वैलिड है। इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेस है बेसिक, वो जितने भी इंटीग्रेशन सादे वेरिएबल x के आते हैं वही सभी आप ax प्लस बी फॉर्मेट के भी इंटीग्रेशन ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपका एक 1 बाय ए एक्स्ट्रा का आएगा। सुना होगा ना x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो सिमिलरली आप ax प्लस बी फॉर्मेट का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, कैसे, ax प्लस बी रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू 1 बाय ए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर फॉर्मेट। तो दो वेरिएबल का लीनियर फॉर्मेट यानी क्या, ऐसा, ठीक है। अब ये ऐसा का मतलब ऐसा भी होता है, भाई 3x प्लस 2y प्लस 4, देखिए ये फॉर्मेट मैच हो रहा है, पर मुझे बताइए कल चल के मैंने ऐसा बोला 8y माइनस 6, तो बेटा ऐसा समझिए कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। अभी ए बी सी में से कोई जीरो हो सकता है ना, आ रही है बात समझ में, ठीक है, ए बी सी में से कोई भी जीरो हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये अगर लीनियर फॉर्मेट आपको दिखता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, उसकी जगह पे क्या कर देना, यहाँ पे पुटिंग कर देना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू यू कर देना, ठीक है। एक यू यानी कि कोई भी एक वेरिएबल अगर यू करते हो तो क्या हो जाएगा मालूम है, कि ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन से वेरिएबल्स में करंटली, वाई और एक्स में, तो ये कन्वर्ट करनी पड़ेगी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यू और एक्स में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई वेरिएबल वाली एक्स और यू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो जो एक्स और यू नाम के वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। कैसे, इसके लिए हमें देखते हैं एग्जाम्पल, ये प्रोसीजर ठीक है, आपको लिखना है सिर्फ, एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, कोई सॉल्व डीवाई बाय डीएक्स, डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, वेरी गुड, साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। देखिए ये क्लियरली इम्प्लीसिट इक्वेशन है, मुझे बताइए यहाँ पे एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हो क्या आप, नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं लगा सकते। अरे भाई ये साइन के अंदर एक्स वाई है, कॉस के अंदर एक्स वाई, इनको अलग हम नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि ये डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो यहाँ पे लग नहीं सकता है, पर क्या क्वेश्चन में वहाँ पे लीनियर फॉर्मेट दिख रहा है आपको कहीं पे, और दिख रहा है तो क्या लीनियर फॉर्मेट दिख रहा है, हाँ क्या है, एक्स प्लस वाई। अरे भाई ये एक्स प्लस वाई ऐसा नहीं हुआ क्या, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0 है, यानी वहाँ पे लीनियर फॉर्मेट क्या है, अवेलेबल है। तो आपको समझना क्या है, समझना है आपको ये कि वहाँ पे हमें करना पड़ेगा पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू। तो बेटा जैसे हमने एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू किया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हमें डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो ये जो भी पुटिंग है इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, इसमें नीचे क्या है डी एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना। अगर कल चल के ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी वाई में रहती थी, अगर नीचे वेरिएबल वाई रहता था तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करता था, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों टाइप है, अगर डी वाई बाई डी एक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऐसा भी हो सकता है कि डी एक्स बाई डी वाई में दी हुई हो, ठीक है, दोनों में ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये किया मैंने, तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस यू का क्या हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स। तो ये जो पुटिंग का मैंने डेरिवेटिव किया, तो वो डेरिवेटिव इसलिए किया क्योंकि मुझे ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वैल्यू चाहिए। तो बताइए यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या, यस वेरी गुड, डी यू बाय डी एक्स माइनस 1, ये इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, सो दैट मैं क्या करता हूँ ये इक्वेशन को क्या करता हूँ रीराइट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन, पहला प्रॉब्लम है गिवन इस टाइप का, गिवन इक्वेशन बिकम्स, ये प्रॉब्लम को डेकोरेट आप कर लीजिएगा, ये मैंने M1 में भी बोला था, ठीक है। अब बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा गिवन इक्वेशन में, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकली, अपडेटेड डी यू बाय डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या रखना है साइन यू, वेरी गुड, क्या हो जाएगा ये साइन यू प्लस
कॉस यू, बताइए समझा क्या। अब बताइए, अब यहाँ पे कहीं पे भी वाई नहीं दिखना चाहिए, पूरा का पूरा इक्वेशन काय में दिखना चाहिए, यू और एक्स में, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यू एक्स है तो फंक्शन ऑफ यू और एक्स ही दिखना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स तो वहाँ पे है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे बताइए क्या ये ऐसा नहीं हुआ, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस साइन यू, साइन यू या फिर वन प्लस कॉस यू प्लस साइन यू, मुझे बताइए वन प्लस कॉस यू प्लस साइन यू ये क्या है, फंक्शन ऑफ यू है। अरे भाई फंक्शन ऑफ यू है ना, तो फंक्शन ऑफ यू तो डी यू के सामने लिखा हुआ होना चाहिए, कोई बात नहीं मैं ये पूरे फैक्टर को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस कॉस यू प्लस साइन यू डी यू इज इक्वल्स टू, ये डी एक्स इधर भेज देता हूँ, क्योंकि यार कभी भी ऐसा ही होगा डी एक्स और डी यू, यहाँ कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ऑलवेज हमें वो कहाँ पे चाहिए, न्यूमरेटर में, एक इक्वल टू के इस साइड न्यूमरेटर में चाहिए तो एक इक्वल टू के उस साइड न्यूमरेटर में चाहिए, ठीक है। तो ये डी एक्स इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स, बताइए मुझे ये समझा गया, बहुत सिंपल है ना यार, ठीक है। चलिए इसको क्या कर देते हैं हम, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड हेंस इंटीग्रेटिंग, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन, मुझे बताइए कैसे सॉल्व होगा ये इंटीग्रेशन, दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, एक इजी तरीका बताता हूं, मुझे बताइए वन प्लस कॉस यू का हाफ एंगल फॉर्मूला आता है आपको, टू कॉस स्क्वायर एंगल बाय टू, बहुत सिंपल है क्या, टू कॉस स्क्वायर, धीरे धीरे मैं एक विथ रीजन बताता हूं आपको, टू कॉस स्क्वायर एंगल बाय टू, ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा टू साइन यू बाय टू कॉस यू बाय टू डी यू, अरे हाँ कि नहीं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर यू बाय टू, ये कॉमन निकालते हैं, मुझे बताइए टू कॉस स्क्वायर में से टू कॉस स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचेगा, वन बचेगा ना, ठीक है। इधर से टू कॉमन निकाला और कॉस स्क्वायर कॉमन निकाला, देखिए कॉमन निकालना यानी कि डिवाइड करना, तो बताइए टू साइन कॉस को अगर टू कॉस स्क्वायर डिवाइड करेगा तो टू और कॉस कैंसिल हो जाएगा और एक साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन, अभी तो एक साइन अपॉन कॉस बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, टेन, बताओ मुझे ये स्टेप समझी क्या, बहुत सिंपल है, टू कॉस स्क्वायर में से टू कॉस स्क्वायर कॉमन निकाला तो टू कॉस स्क्वायर को टू कॉस स्क्वायर ने डिवाइड किया तो वन बचा, अरे भाई इसको टू कॉस स्क्वायर ने डिवाइड किया तो एक टू कट गया, एक कॉस कट गया, बचा एक साइन अपॉन एक कॉस, तो वो हो गया टेन यू बाय टू। अब मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है एक क्या, कि अगर इंटीग्रेशन में आपको किसी फंक्शन का रेडी डेरिवेटिव मिलता है तो आप उस फंक्शन को सादा वेरिएबल एक्स ट्रीट करके इंटीग्रेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं समझता है, मैं लिख के देता हूं आपको, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब ये, मैं पूछता हूं आपसे कि अगर कल चल के ऐसा आ गया वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो बताइए इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, अगर जब भी ऐसा होगा कि इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल होगा तब तब आप उस फंक्शन को क्या ट्रीट कर सकते हो, सादा वेरिएबल एक्स ट्रीट कर सकते हो। बताइए अगर ये वन अपॉन एफ ऑफ एक्स की जगह पे अगर सादा वन बाय एक्स रहता था तो इंटीग्रेशन क्या आता था, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स का लॉग एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, अरे भाई हाओ कि नहीं आ रही है बात समझ में, अरे अरे ये तो सभी के लिए वैलिड है, यानी कल चल के देखिए अगर ऐसा भी हो गया कि ये हो गया ऐसा, देखिए इधर एफ ऑफ एक्स रेस टू पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, बताइए इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन में ये है क्या, एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, बताइए एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या आता था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, बताइए कल चल के ऐसा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, बहुत सिंपल है ना, बताइए इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में एफ डैश ऑफ एक्स है क्या, है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या मान लीजिए, सादा वेरिएबल एक्स, तो बताइए साइन एक्स का क्या होता था इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा ऐसा क्यों होता है मालूम है, क्योंकि आप जो पुटिंग करते हो ना इंटीग्रेशन में, ये बेसिक है, इंटीग्रेशन में 99% ऑफ टाइम्स पुटिंग किसकी जगह की जाती है, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो,
इंटीग्रेशन में पुटिंग उस फंक्शन की जगह पे की जाती है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो dx के साथ, याद आ रही है बात? नहीं तो मैं इसका, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सो दैट देखिए यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ना। देखिए इधर मैंने कल चल के पूछा आपसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स डीएक्स, तो बताइए ये ऐसा नहीं हुआ क्या भाई? ये साइन ऑफ फंक्शन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स है ना। पर ओरिजिनली अगर आप ये फॉर्मूला अगर अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, आप ऐसा करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी डी टी, तो ये हो जाएगा आंसर माइनस कॉस टी। पर यार ये टी था क्या एक्स स्क्वायर, तो इससे अच्छा तो सीधा ऐसा ये लगाओ ना यार। तो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब के सब क्या है, ये रूल फॉलो करते हैं। क्या रूल है, मैं सिंपल वर्ड्स में रिपीट करता हूँ, अगर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में एफ डैश ऑफ एक्स आता है तो एफ ऑफ एक्स को एक्स ट्रीट करके इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। चलिए ये सब आपको पता है, फिर भी मैं हर बार जब भी बेसिक बताना पड़ा आपको रिपीट करूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या ये ऐसा नहीं हुआ डी यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये 1 बाय टू सिक्स स्क्वायर यू बाय टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन यू बाय टू डी यू इज इक्वल, छोड़िए ना, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब मुझे बताइए 1 प्लस टेन यू बाय टू का डेरिवेटिव कितना, पहले तो 1 का हो जाएगा 0, 10 u by 2 का हो जाएगा sec square u by 2 into 1 by 2, यानी कि डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा log of डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या आ जाएगा log of डिनोमिनेटर, यानी कि आंसर आ जाएगा log of 1 plus 10 u by 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू सी। इसको रीजन आ जाएगा कि 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, रीजन लिखना पड़ता है, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, इक्वल्स टू होता है यस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। समझाना ये रिजल्ट, ये रिजल्ट को मैं बहुत ही आगे चल के एलेबोरेट करूंगा, तो फिलहाल इतना ही समझिए, ठीक है। बताइए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारा एक्स और वाई में था, तो सॉल्यूशन भी कायम आना चाहिए एक्स और वाई में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस यू विथ एक्स प्लस वाई जो मैंने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा लॉग ऑफ 1 प्लस 10 एक्स प्लस वाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू सी, और दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आ रही है बात समझ में, कीजिए इसको कॉपी।